हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं एसपी सैनी और आप देख रहे हैं एसपी मैथ चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे एनसीईआरटी कक्षा 12 गणित संबंध एवं फलन। तो फर्स्ट पार्ट में हम आपको संबंध कराएंगे और इसके अंदर हम इसके जो टाइप ऑफ फंक्शन है, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध, सभी का उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो ये रेड रंग का बटन है इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो ये घंटी का आइकन भी आएगा, इसे भी दबा दिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, हम संबंध की सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। तो संबंध किसे कहते हैं, देखिए जब दो वस्तुएं किसी नियम से जुड़ी होती हैं तो उस नियम को हम संबंध कहते हैं। देखिए जब दो वस्तुएं क्या हों, किसी नियम से जुड़ी हों तो उस नियम को ही हम संबंध कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए इज रिलेटिव टू बी वाई आर रिलेशन। यानी एक वस्तु ए हो और दूसरी वस्तु बी हो और इनके बीच जो रिलेशन आर है, अगर ये तो किसी नियम से जुड़ी हुई है तो इस आर को हम रिलेशन कहते हैं। अब देखिए एक और जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है कि समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध आर, समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध आर एक ऐसा समुच्चय होता है जो आर ऐसा होता है जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। दोबारा फिर समझें, समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध आर एक ऐसा समुच्चय होता है जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो मैं समझता हूँ ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पर तो यहाँ देखिए, अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो संबंध होगा आर वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अब मान लीजिए जो पहला समुच्चय है उसके अंदर जो अवयव की संख्या है वो एक्स है और जो दूसरा समुच्चय है उसके अंदर अवयव की संख्या वाई है। तो हम ये जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो अवयव की संख्या होगी वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी, यानी एक्स इंटू वाई होगी। तो ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर xy। अब क्यों ही, क्योंकि किसी भी समुच्चय में उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है, ठीक है। और n क्या होता है, उसके अंदर अवयव की संख्या। तो ए क्रॉस बी में जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, क्योंकि पहले में x है दूसरे में y है तो x क्रॉस y क्या होगा उसमें, अवयव हो गए। तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। तो इसका मतलब उपसमुच्चयों को ही हम क्या कहते हैं, संबंध कह रहे हैं। तो मैक्सिमम जो संबंधों की संख्या हो गई वो कितनी होगी, 2 की पावर xy। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल को आप समझिए। एग्जाम्पल क्या है इसको ज़रा ध्यान से आप समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल इस प्रकार का है कि यदि ए दे रखा 1, 2, 3 और बी दे रखा 2, 3, 4 हो और आर हमारे पास एक ऐसा डिफाइन है कि ए या बी में जो संबंध इस प्रकार का है कि जो इसका बी एलिमेंट है यानी कि इसकी जो रेंज है वो डोमेन की डबल है और ए जो है ए का एलिमेंट है, बी बी का एलिमेंट है, तो सिद्ध करो कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है। तो संबंध है, तो संबंध तब होगा जब आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में कुल संभावित संबंधों की संख्या भी याद कीजिए। तो सबसे पहले हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए हमने क्या करा, ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए हमारे पास ये है, बी यहाँ है और हमने ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहले की 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह 2 की करेंगे, 2 की 3 से, ये जाएगा 2 की 4 से, 2 की 4 से, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 की 2 से करेंगे, 3 की 3 से करेंगे और 3 की 4 से करेंगे, तो इस तरह से ही क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ गया। अब हम इसमें से हमें कौन से रिलेशन किया, हमारे ये देखा है कि ए कोमा बी में ऐसा रिलेशन है कि 2a = b, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए और बी के बीच जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है कि बी जो है वो ए का डबल है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वाले फंक्शन ऐसे हैं जिसमें दूसरा वाला जो फंक्शन है वो पहले का डबल है, एक तो ये वाला है, ठीक है। दूसरा कौन सा है जो डबल वाला है, एक ये वाला। तो रिलेशन कौन सा बन गया, ये वाला 2, 4 और 1, 2, तो हो गया। देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या है, 1, 2 और 2, 4, ठीक है। और देखिए 1, 2, 2, 4 जो वो पूरे ए क्रॉस बी में से ही तो बनना है, तो इसका मतलब 2 क्रॉस b 2, 4 जो हो गया वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हो गया, यानी इसका जो संबंध हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 1,2 और 2,4 जो हैं वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक संबंध हो गया। अब इसमें इस संबंधों में संख्या पूछी, तो संख्या कैसे निकालेंगे, तो समुच्चय ए में कितने एलिमेंट है, 3, दूसरे समुच्चय बी में कितने एलिमेंट है, उसमें भी 3 है, ठीक है। अब जो है हमें संबंधों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर x इंटू वाई, तो पहले में इसे x बराबर 3 हो गया, y बराबर 3 हो गया, x की वैल्यू रख दी हमने, y की वैल्यू रख दी, और यहाँ पर देखिए निकल के आ जाएगी संख्या, यानी संख्या कितनी हो गई, x की पावर 3 इंटू 3, यानी x की पावर ये आ गया 2 की पावर 9, ठीक है। संबंधों की संख्या कितनी हो गई, 2 की पावर 9, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, और ये रख दिया आ गया। अब संबंधों के प्रकार, अब हम देखिए टाइप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ फंक्शन में जो सबसे पहला है वो है रिक्त संबंध, और दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। देखिए आप जरा ध्यान समझेंगे, रिक्त संबंध क्या होता है और सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। तो रिक्त संबंध, ऐसे संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं जिसमें एक भी संबंध ना बने, अर्थात वो रिक्त हो। और सार्वत्रिक संबंध का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट ए और बी में हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट बनेंगे वो सारे के सारे रिलेट हो रहे हों, तो उसे हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा मैंने, ए बराबर है 1,2 और बी बराबर है 3,4, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया, 1,3 और 1,4 और फिर 2,3 और 2,4 ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या देखा, a माइनस बी जो हो वो 6 के बराबर हो, तो a माइनस बी 6 के इक्वल, इनमें से देखिए कोई सा ऐसा है जिसमें a माइनस बी 6 के बराबर हो, यानी कि इनका जो अंतर है वो 6 हो, कोई सा है, कोई भी नहीं है, तो कैसा हो गया ये, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी संबंध ना बने उसे हम रिक्त संबंध कहते हैं, यानी एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। इस संबंध को हम तुच्छ संबंध भी कहते हैं या सबसे छोटा संबंध भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सार्वत्रिक संबंध की। देखिए तो सार्वत्रिक संबंध की बात करते हैं, तो सार्वत्रिक संबंध में क्या होता है, तो सार्वत्रिक संबंध जो है वो ऐसा संबंध होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जो है क्रॉस के आ जाते हैं। तो यहाँ ज़रा ध्यान से देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर सार्वत्रिक संबंध की डेफिनेशंस बता रहा हूँ, तो जिसमें सारे के सारे रिलेशन रिलेट करें, यानी एक भी खाली ना रहे। तो यहाँ लिखा देखिए a+b < 7, तो ये देखिए पहला वाला देखिए, क्या इन दोनों का जोड़ 7 से छोटा है, बिल्कुल सही है, ये भी आ गया। एक इसका 1 से 7 से छोटा है, संबंध क्या है इसमें कि जोड़ जो है इनका, यानी कि इसके डोमेन और रेंज का जो जोड़ है वो 7 से छोटा है। दूसरा देखिए 2, 3, 5 ये भी छोटा हो गया, 2, 4, 6 ये भी 7 से छोटा हो गया, तो इसका मतलब जितने एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी में वो सब के सब इसमें रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो हो गया, इसके आर जो हो गया वो ए क्रॉस बी के इक्वल हो गया। अगर आर फाई के इक्वल है यानी तो रिक्त समुच्चय होगा, आर ए क्रॉस बी के इक्वल है तो कहलाएगा सार्वत्रिक संबंध, यानी कि जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट आए हैं वो सब के सब रिलेट हो रहे हैं, संबंधित हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। अब चलिए देखिए चलते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 हम देखते हैं यहाँ पर, नंबर 3 क्या है देखिए, तुल्य तत्समक संबंध। अब देखिए ये दोनों जो है थोड़ा मिलते हुए हैं, इसको जरा ध्यान समझेंगे, एक है तत्समक संबंध, दूसरा है स्वतुल्य संबंध, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। तो पहले तत्समक संबंध की बात करते हैं, तो समुच्चय ए का समुच्चय बी से जो संबंध है वो तत्समक संबंध कहलाता है अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेट हों केवल, है ना। तो समुच्चय ए का समुच्चय बी से जो संबंध है, रिलेशन है, वो तत्समक संबंध कहलाता है अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट केवल, यहाँ जरा ध्यान देंगे, ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल स्वयं से रिलेट हो। तो यहाँ पर देखिए ए में जो एलिमेंट है वो कितना, 1,2 है, तो ये केवल स्वयं से रिलेट होना चाहिए, या इसको हम डेफिनेशन को ये भी कह सकते हैं, समुच्चय ए का समुच्चय ए से जो संबंध है वो तत्समक संबंध कहलाता है अगर समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट केवल स्वयं से रिलेट हो। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या देखा, ए माइनस बी बराबर 0, तो ए माइनस बी बराबर, पहले तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो a माइनस बी निकाला, तो a माइनस बी में के लिए कौन कौन से होंगे, 0 इससे हो जाएगा और एक इससे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1 भी स्वयं से रिलेट हो रहा है, 2 भी स्वयं से हो रहा है, तो ये जो रिलेशन हो गया वो कैसा हो गया, तत्समक संबंध। अब स्वतुल्य की बात करते हैं, देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है इसकी डेफिनेशन में। स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य में केवल वर्ड नहीं लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा, ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेट होगा, ये नहीं कहेंगे केवल। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें देखिए स्वयं से तो होगा ही होगा, साथ में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तत्समक संबंध को हम स्वतुल्य संबंध तो कह सकते हैं, लेकिन स्वतुल्य संबंध को तत्समक संबंध नहीं कह सकते,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो अंतर क्या है इसमें, इसे केवल और केवल स्वयं से रिलेट होंगे, इसमें स्वयं से तो रिलेट होंगे ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, स्वयं वाले तो होने चाहिए, कंपलसरी हैं ठीक है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो भी हो सकते हैं। तो समुच्चय ए का समुच्चय बी से या समुच्चय ए का समुच्चय ए से संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है, अगर ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, यानी स्वयं से रिलेट हो। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या है इसको समझेंगे, देखिए तो मैं थोड़ा सा ये देखिए सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध क्या होता है इसको समझेंगे। तो समुच्चय ए का समुच्चय बी से जो संबंध है, बिल्कुल वही संबंध अगर समुच्चय बी का समुच्चय ए से है तो उस संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं, यानी जो ए और बी के बीच संबंध है बिल्कुल वही संबंध बी और ए के बीच में हो तो उस संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं। जैसे समांतर का संबंध, अगर एक एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो दूसरी पहली के समांतर हो जाएगी, तो इस संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं ठीक है। यानी ए बी में जो रिलेशन है बिल्कुल वही रिलेशन बी और ए में हो तो उसे हम सम्मित संबंध कहते हैं। अब देखिए संक्रमण संबंध क्या, ए का कोई रिलेशन बी से है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, और बी का रिलेशन कोई सी से है ठीक है, बिल्कुल वही रिलेशन अगर ए का सी से हो तो उस संबंध को हम संक्रमक संबंध कहते हैं। तो समुच्चय ए का संबंध कोई समुच्चय बी से है, बिल्कुल वही संबंध समुच्चय बी का ए से हो तो उस संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं। और संक्रमक संबंध क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, समुच्चय ए का समुच्चय बी से कोई संबंध आर है और वही संबंध समुच्चय बी का सी से आर है, अगर ए और सी में भी वही संबंध आर हो तो उसे हम संक्रमक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं ठीक है। तो अब देखिए इसका एग्जांपल, यहाँ पर देखिए एक दो रिलेशन है, इसमें कौन कौन सा सम्मित है और कौन कौन सा इनमें संक्रमक है, ये अब आप ध्यान से देखेंगे। तो हमने क्या बताया, जो ए का रिलेशन बी से बिल्कुल वही बी का ए से होना चाहिए। तो एक एक एलिमेंट पर चर्चा करते हैं, देखिए 1, 1 है तो इसका अपोजिट करो वो भी है इसके अंदर, 2, 2 इसके अंदर है इसका अपोजिट करेंगे वो भी है, 1, 2 है 1, 2 का अपोजिट करो 2, 1 देखिए 1, 2 भी है 2, 1 भी है, तो इसका मतलब पहला वाला जो संबंध हो गया वो सम्मित हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, देखिए इसमें सबके अपोजिट मालूम होने चाहिए, 1, 1 का भी अपोजिट है, 2, 2 का भी अपोजिट है, लेकिन 1, 2 का अपोजिट इसके अंदर नहीं है। देखिए 1, 2 R2 में है लेकिन 2, 1 R2 में नहीं है, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। यहाँ पर R1 तो सम्मित हुआ लेकिन R2 सम्मित नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर संक्रमक की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम पहला चेक करते हैं संक्रमक में, तो संक्रमक के लिए ज़रूरी है कि पहले दूसरे में जो रिलेशन है वही रिलेशन दूसरे तीसरे में होना चाहिए और वही रिलेशन पहले और तीसरे में होना चाहिए। तो सबसे पहला वाला हम चेक करते हैं, देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, सही है, 2 का रिलेशन 3 से, तो 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, हाँ वो भी रखा हुआ देखिए इसमें, तो 1 का रिलेशन क्या है 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है देखिए यहाँ पे ठीक है, और वही रिलेशन 1 का 3 से भी हो रहा है, यानी कि 1 का 2 से है, 2 का 3 से, और 1 का 3 भी इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब ये संबंध कैसा हो गया, संक्रमक। अब दूसरे की बात करते हैं R2 की बात, देखिए एक बात और बता दें, R2 में देखिए 2 का रिलेशन 3 से है, यहाँ पे अगर 3 का किसी और से रिलेशन नहीं है तब भी हम इस संबंध को संक्रमक संबंध कहते हैं। अब देखिए 1 का रिलेशन 5 से है, तो 5 का संबंध किसी और से होना चाहिए था जो इसके अंदर नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है ये भी संक्रमक संबंध। देखिए यहाँ पर 2 का रिलेशन 3 से और 3 का, अब 1 का रिलेशन किससे, 5 से, तो इसका मतलब ये भी देखिए ये थोड़ा सा ये हो गया, इसमें संक्रमक संबंध होगा ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए R2 की बात कर रहे हैं हम, R2 में जो है संक्रमक संबंध है ठीक है, ये वाली बात नोट करने वाली है। R2 संक्रमक क्यों है, क्योंकि 2 का रिलेशन 3 से और 3 का दिया नहीं हमें ठीक है, तो सबसे संक्रमक संबंध कहेंगे। इसे 1 का रिलेशन 5 से और 5 का किसी और से दिया होता तब हम चेक करते हैं, तो R2 कैसा है, संक्रमक हो गया। अब हम R3 की बात करते हैं, देखिए R3 कैसा है, तो R3 यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, R3 क्या, 1, 2, और देखिए यहाँ पर 1, 2 दे रखा, 2, 3 दे रखा, यानी अब यहाँ पर 2, 3 ना देखा कुछ और दिया होता तो संक्रमक हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए 1, 2 तो है, 2, 3 भी है, तो 1, 3 और होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 1, 2 भी है, 2, 3 भी है, लेकिन 1, 3 इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रमक नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखिए तुल्यता संबंध। अब ये तुल्यता संबंध क्या होता है इसको समझेंगे जरा, कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है अगर वो क्या हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक हो। अगर कोई भी संबंध क्या हुआ, तुल्यता संबंध कहलाएगा अगर वो क्या हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक हो। स्वतुल्य में हमेशा एक एलिमेंट लेंगे यानी स्वयं से रिलेशन सिद्ध करेंगे, सम्मित में हमेशा दो एलिमेंट लेंगे, ए का रिलेशन कोई बी से होगा बिल्कुल वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। संक्रमक संबंध में हम 3 एलिमेंट लेंगे, ए का रिलेशन कोई बी से होगा वही रिलेशन बी का सी से होगा। अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर दें कि ए
ए का रिलेशन सी से भी वही है जो कि ए और बी में है और बी और सी में है, तो उस रिलेशन को हम संक्रमक संबंध कहते हैं। जैसे तीन सगे भाइयों के बीच में जो संबंध होता है वो संक्रमक संबंध होता है। छोटा बड़े का भाई होता है, बड़ा सबसे बड़े का भाई होता है, और तो सबसे छोटा भी सबसे बड़े का भाई हुआ, तो ये जो संबंध है वो संक्रमक संबंध होता है। ऐसी समांतर रेखाओं में भी संक्रमक संबंध होता है, पहली रेखा दूसरी के समांतर है, दूसरी तीसरी के समांतर है, तो तीसरी पहली के समांतर हो जाएगी। लेस देन में भी संक्रमक संबंध होता है, जैसे मान ली एक दो से छोटा है, दो तीन से छोटा है, तो एक भी तीन से छोटा हो गया। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दे रखे हैं दो संबंध, तो इन दोनों संबंधों में हमें ये बताना है कि सममित संबंध है तो तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो संबंध जो है तुल्यता संबंध होगा अगर तुल्यता संबंध की जो तीन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आर वन पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सतुल्य चेक करते हैं पहले। तो सतुल्य क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 है, क्या है ए में एलिमेंट 1 2 3, यानी एक का एक से रिलेशन है, हाँ है। 2 का 2 से रिलेशन है। 3 का 3 से रिलेशन है, हाँ है। देखिए प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से रिलेशन है, इसका मतलब स्वतुल्य हो गया। अब चलते हैं सममित की बात। सममित में प्रत्येक का अपोजिट मौजूद होना चाहिए। 1 कोमा 1 का अपोजिट है। 2 कोमा 2 का अपोजिट है। अब देखिए 3 कोमा 3 का अपोजिट है, बिल्कुल है। 1 कोमा 2 का अपोजिट है, बिल्कुल रखा हुआ। देखिए यहाँ पे 2 कोमा 1 का अपोजिट है, यह देखिए सबके अपोजिट रखे हुए हैं, तो इसका मतलब संबंध जो हो गया वो सममित संबंध हो गया। अब संक्रमक की बात करते हैं। संक्रमक में क्या होता है, देखिए दूसरा वाला एक जैसा होना चाहिए, 1 कोमा 1। अब 1 का देखिए किसी रिलेशन है, ये वाला 1 कोमा 2, तो 1 कोमा 2 होना चाहिए। देखिए 1 कोमा 1 आर वन में है, 1 कोमा 2 आर वन में है, तो 1 2 होना चाहिए, बिल्कुल रखा हुआ। ठीक, अब उसके बाद दूसरे वाले चेक करते हैं, 2 कोमा 2, और 2 का रिलेशन किससे, 1 से। तो देखिए 2 कोमा 2 भी है इसके अंदर, ठीक है, 2 कोमा 2 भी है, और 2 कोमा 1 भी है, तो 2 कोमा 1 इसमें होना चाहिए, बिल्कुल रखा हुआ है, इसका मतलब ये भी है। अब चेक करते हैं अगला वाला, 1 कोमा 2 है, 2 कोमा 1 भी है, तो 1 कोमा 1 भी रखा है, तो इसका मतलब इसमें देखिए सारे के ए का बी से, बी का सी से, फिर ए का सी से भी संबंध इसमें रखे हुए हैं, इसका मतलब ये जो संबंध हो गया वो तुल्यता संबंध हो गया। अब देखिए आर टू की चर्चा, चलिए अब हम करते हैं आर टू पर चर्चा। देखिए अगर वास्तव में आर टू जो है तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता की जो तीन कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य को चेक करते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट की सेल्फ इमेज होनी चाहिए, यानी प्रत्येक से इमेज होनी चाहिए, यानी कि 1 की भी 2 की भी 3 से। तो देखिए 1 की 1 से इमेज है, बिल्कुल सही है। 2 की 2 से इमेज है, बिल्कुल सही है। 3 की 3 से इमेज है, इसमें देखिए 3 की 3 से इमेज जो है वो आर के अंदर नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। जब स्वतुल्य ही नहीं है तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेकिन सममित वाला तो स्वतुल्य नहीं है, तो इसका मतलब तुल्यता संबंध नहीं है। सममित और संक्रमक हो सकता है, तो सममित में देखिए अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट सब इसमें रखें तो सममित तो है। संक्रमक में देख लीजिए, संक्रमक में क्या है, संक्रमक भी इसमें है, लेकिन ये स्वतुल्य नहीं है। तो जब स्वतुल्य फेल हो जाए तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आप SP मैथ्स चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।